मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो पी रहे हैं गर्म पानी में ऐसे भी, और इसको पी लेते हैं सिप सिप करके, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड, मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। एक साइड चाय बन रही थी, इनके लिए मैंने चाय बना दिया था, और अपने लिए बना रही हूँ मैं ओट्स। तो मेरा सुबह सुबह ना आज पोहा खाने का या कुछ भी है ना और खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं। तो मैंने लिया है थोड़ा सा ओट्स और ये है मूसली। और मैं ना दूध में डाल के ऐसे कच्ची नहीं खा पाती, तो मैं ऐसे उबाल लेती हूँ पहले पानी में हल्का सा, फिर दूध डाल के खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया जैगरी पाउडर और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के इसको पका लेंगे, और एक उबाल आएगा ना तो फिर मैं ना छोड़ दूँगी। और ये मैं दो लोगों के हिसाब से बना रही थी, अपने और इनके लिए, ये भी खा के चले जाएंगे ओट्स। इन्हें ना इस तरीके से बना के दे दो तो ये खा लेते हैं, इन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने, आप लोग देखे होंगे, एक उबाल आया, फिर मैंने इसमें डाल दिया दूध थोड़ा सा, और पकाने के बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखो मैंने निकाले, अब इसमें मैं डाल रही हूँ बनाना। तो एक बनाना लिया था मैंने और उसको पील करके ऐसे कट करके ना ऐसे सजा के खाऊँ ना तो अच्छा लगता है, और मैं आराम से बैठ के ना इसको खाऊंगी और चबा चबा के। आप लोगों ने देखा होगा 32 बार जो है, तो ये जो नंबर है ना 32 बार, सच में इससे है ना बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है। तो हो सके तो अगर आप है ना डाइट नहीं कर पा रहे हैं और अगर कहीं जा नहीं पा रहे हैं जिम वगैरह, वर्कआउट करने को टाइम नहीं है, तो आप जब भी खाना खाएं ना अच्छा च्यू करके खाएं, चबा चबा के। एक दो दिन है ना आप काउंट करो कि जब चबाओ, तो फिर उसके बाद है ना आपकी धीरे धीरे आदत हो जाएगी कि कैसे खाना है आपको चबा चबा के। तो पहले मैंने है ना स्टार्टिंग में डाइट की थी और जिम में एक्सरसाइज की थी, उस टाइम आप देखते रहोगे मेरी टम्मी वगैरह बहुत बाहर निकली थी। अब है ना मेरा है ना वेट जिसने मैंने जिम में छोड़ा था उसी से थोड़ा कम हुआ है, और मैं है ना चेक कर करके खाती हूँ। बहुत अच्छी होंगी, और मैं पता घर गई थी वहाँ से आ गई हूँ, तो मतलब मॉर्निंग में आ गए थे 7 बजे, अभी हो गया है शाम का टाइम। मैं पता रेस्ट की क्योंकि 2 दिन से जग रहे थे ना, ज़्यादा देर तक खाला लोग सबको ही मुंबई से आए वो लोग थे, तो इस वजह से अभी जा रही हूँ घर का काम करने। शाम का टाइम हो गया है और टीवी की आवाज़ बंद करना पड़ा मुझे, देखो टीवी चल रही थी। तो घर गई थी तो वहाँ से लेके आई हूँ अपने कपड़े। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना शादी का लहंगा, मतलब जो मेरे निकाह में आया था ना, दो मतलब लहंगे आए थे, एक विदाई के लिए एक निकाह के लिए, तो वो दिखाऊंगी। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो घर का काम होगा वो करेंगे। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं लहंगा, और कमेंट्स बॉक्स में बताना कैसा है, तो दिखाती हूँ। और अच्छे से चबा चबा के खाने के बाद पता है क्या होता है, वो जो आप जो भी खाना खाओगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, और जब फूड डाइजेस्ट अच्छे से होगा तो वेट अपने आप मैनेज हो जाएगा, और जो ओवर वेट होंगे तो वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने निकाह का ब्राइडल लहंगा। अभी है ना मम्मी के यहाँ गई थी तो उन्होंने दिया था कि ले जाओ, अपना रखा हुआ है। तो आप लोगों को ये मेरा कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में बताना। इस पे मेरा निकाह हुआ था, और फिर है ना जब सुबह विदाई हुई थी तो ये रेड कलर चेंज करा दिए थे, क्योंकि मेरा दूर का सफ़र था, ससुराल मेरे मायके से थोड़ा दूर है, तो इस वजह से। तो ये है पूरा लहंगा, आप लोग देखो और बताना कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोगों को कैसा लगा। उस टाइम है ना जब मेरी 2017 में शादी हुई थी तो यही फैशन ट्रेंड में था, और ये बहुत हैवी सा लगता है और अच्छा भी लगता है पहनने में। ये एकदम जैसे आया था ना उसी तरीके से। ये है ब्लाउज इसका और ये है इसका दुपट्टा। मुझे ये ना बहुत प्यारा लगता है, मैं किसी दिन है ना इसको ज़रूर वेयर करूँगी। तो ये देखें आप लोग, नेट का दुपट्टा है। आप अब जो दुपट्टे लेने जाओगे ना लहंगे के लिए तो उसमें ऐसा वर्क नहीं मिलता, और ना ही पहले है ना ऐसे ही चलते थे लहंगे, ये देखो आप लोग ऐसे, और सिर में है ना ऐसे रहता था जब जूड़ा बनाओ तो उसमें। ये है मेरे निकाह का ड्रेस, तो
तो फ्रेंड यहाँ पे है ना, मैं आ गई थी किचन में और मैं सोची अपने लिए डिनर बना लूँ, क्योंकि इनके लिए डिनर है ना बाजू में शादी है, तो वहाँ से आ गया था मतलब सालन और रोटी। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ ये स्मूदी, क्योंकि है ना मैं उसको पी के चली जाऊँगी और मुझे जाना है आज मेहंदी में, जो मतलब कल सॉरी आज होगी क्या बोलते हैं बारात जानी है। तो अभी मैंने सोचा कि ए जल्दी जल्दी से नाश्ता कर ले सॉरी डिनर कर लेते हैं फिर जाते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पहले से शादी होनी है। तो मेहंदी मिठाई है ना जो हम लोगों में होती है तो जनवास में होती, मगर यहाँ घर में आने वाले हैं लेके, तो मुझे आज जाना है, इस वजह से मैं जाऊंगी अभी तैयार होने। तो मैंने सोचा फटाफट से मैं ना डिनर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया था ओट्स बनाना और पीनट्स बटर, और इसमें ना जब ये बन जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी दालचीनी, क्योंकि दालचीनी बहुत अच्छी होती है। अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हो तो आप दालचीनी ज़रूर यूज करो। तो यहाँ पर मैंने डाला है लास्ट में सत्तू पाउडर, सत्तू पाउडर बहुत अच्छा होता है। प्रोटीन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप सत्तू पाउडर ज़रूर यूज करें। तो यहाँ पे ये मेरे लिए बन गया है और इसमें मैं डाल दूंगी मिक्स सीड्स होती है ना वो, अगर आप मिक्स जिसके हार्मोन इम्बेलेंस है तो वो सीड्स ज़रूर खाएं। मेरे तो नहीं है, मेरा बाकी सब कुछ नॉर्मल है। पहले मुझे ब्लड की कमी थी, तो वो भी जब से मैंने डाइट किया है ना, फ्रूट्स वगैरह लेना स्टार्ट किया है, वेजिटेबल वगैरह, तो अब मेरे बॉडी में मतलब कोई भी इशू नहीं है। ये देखो आप लोग, ये है मिक्स सीड्स, मैं ना मुट्ठी भर डालूंगी, मुझे बहुत टेस्टी लगती है खाने में। जैसे मैं सैलेड वगैरह कुछ भी बनाती हूँ ना ये ज़रूर ले लेती हूँ। तो हो सके तो आप भी अपने डाइट में ज़रूर करें। और ये है बनाना, तो मैंने एक बनाना लिया इसके साथ में और बैठ के फिर मैं आराम से खाऊंगी। फिर इसके बाद मुझे रेडी होना है जाने के लिए, तो फिर तैयार होंगे। तो ये गाइस तो अभी हो गया है ना, शाम का टाइम हो गया था, 7 बज गए थे, तो अब मैं जा रही हूँ डिनर करने। मैं 7 बजे खा लेती हूँ यहाँ अपने यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से करते हैं डिनर, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड मैं है ना डिनर करने के बाद लग गई थी, मतलब फेस में बर्फ है ना घस रही थी। पहले मैंने सामने के हेयर स्ट्रेट किए, क्योंकि मुझे है ना पफ बनाना था, तो ये है ना बहुत मुड़ गए थे मेरे बाल, तो मैंने हेयर को स्ट्रेट किया। और मेकअप करने से पहले है ना गर्मी में अगर आप है ना आइस ऐसे लेके बर्फ और फेस में ऐसे घस लो ना और फिर मेकअप करो तो वो अच्छा होता है, पसीना भी नहीं आता और आपका फेस भी मतलब अच्छा ग्लो करता है। तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं ना फाउंडेशन लगाती हूँ ना तो पिंपल्स आ जाती, इस वजह से मैं गर्मी में क्या करती हूँ ऐसे बर्फ़ लेके ऐसे घस लेती हूँ, जिससे कि मतलब फेस भी अच्छा रहे और हाइड्रेट भी रहे फेस आपका। तो यहाँ चल रही थी टीवी, तो मैं टीवी भी देखती जा रही थी और तैयार हो जाऊंगी। और ये आने वाले हैं तो फिर हम दोनों जाएंगे, तो ये वहीं खाना खाएंगे। और जस्ट बाजू में हमारे यहाँ शादी, जो हमारे किराएदार है ना, हम दो लोग रहते हैं, उनके भाई की शादी है। तो यहाँ पे मैं बर्फ ना नेक में भी घसूंगी और फेस में भी, क्योंकि इससे है ना बहुत अच्छा सा फील होता है। अगर आप भी कभी भी मेकअप करो ना तो ऐसे घसो तो बहुत अच्छा। ये देखो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि पूरा फेस है ना ऐसे चिकना सा हो गया, और मेरे फेस में अब कोई पिम्पल्स नहीं है ना दाग है, क्योंकि मेरे है ना ग्रीन टी का ये मुझे फ़ायदा मिला है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय अपना और अपने फैमिली का।